बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की मौत पिछले कुछ दिनों पहले हार्ट अटैक से हो गई, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के डायरी के पन्नों को अगर पलटते हैं तो पाते हैं कि मुख्तार अंसारी को मारने की योजना बहुत पहले भी रची गई थी। और अगर स्पेशल सेल के कुछ हमारे सूत्र की अगर माने तो जिस तरह से साल 2015 के बारे में जिक्र आता है कि साल 2015 में उनकी मुख्तार अंसारी को मारने की एक साजिश रची गई थी राजधानी दिल्ली में, और दिल्ली में जब हिरासत के दौरान में जब उसे लाया गया था, इसी दौरान पे यहाँ पर मुख्तार अंसारी पर आत्महाती हमला करने की तैयारी की गई थी, और इसके लिए 6 करोड़ रुपए की सुपारी कुछ ऐसे आरोपियों को दिया गया था जिसका वास्ता दिल्ली से नहीं था या उत्तर प्रदेश से नहीं था बल्कि बिहार से था। बिहार के एक माओवादी अपराधी कहे जाते थे उस वक्त में, उसे सुपारी दिया गया था। और उस माओवादी जो नेता रहे हैं, जिस तरह से माओवादी अपराधी जो रहा है भरत सक्सेना, उसे 6 करोड़ रुपये की सुपारी दी गई थी और उसे कहा गया था कि अगर जान से मार दोगे तब उसके बाद 6 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, और शुरुआती तौर पर 50 लाख रुपये की जो एक एडवांस रकम है वो दी गई थी। और इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए भरत सक्सेना के द्वारा सच्चिदानंद उर्फ लंबू शर्मा को चुना गया था, जो एक बहुत ही शार्प शूटर माना जाता है, और उसे चुनने के बाद उस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए पूरी साजिश रची गई। हालांकि इस मामले में पूरे हत्याकांड को अंजाम देने में ब्रजेश सिंह और सुनील पांडे नाम के अपराधी का भी नाम सामने आया था, और यह पता चला था कि पूरे साजिश को अंजाम देने के लिए एक कई लोगों के साथ में बैठ करके बातचीत की गई थी, लेकिन सच्चिदानंद उर्फ लंबू शर्मा इस हत्याकांड को अंजाम देता उससे पहले ही इस मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को लगी। उसके बाद स्पेशल सेल की टीम ने इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले अपराधियों के इर्द गिर्द पूरे ऑपरेशन की जो तैयारी की, और उसके बाद आरोपी को पकड़ लिया गया था। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान में दिल्ली पुलिस का एक पुलिसकर्मी जो है वो उसकी मौत हो गई थी, लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है स्पेशल सेल की टीम अगर उस वक्त में इस पूरे ऑपरेशन को बेहतर तरीके से अंजाम नहीं देती तो हो सकता था कि साल 2015 में ही मुख्तार अंसारी की हत्या राजधानी दिल्ली में हो जाती। शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।